अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग के चौथे लेक्चर के साथ मैं हूं राशिद सलीम और हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है। आज हम इसमें से पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक टर्म है ब्रांड लोगोस, और सिंपली इससे मुराद कोई भी सिंबल है जिसके जरिए आप किसी कंपनी या उसके ब्रांड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देखें, बहुत सारे लोगोस जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स के आपको नज़र आ रहे हैं जिनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अच्छा, कंपनी या ब्रांड के जो लोगोज़ हैं उस पर चार तरह के टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला है रिकग्नाइजेबल, यानी हो सकता है कि आपने उस ब्रांड को कभी भी इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन जब आप उसका लोगो देखते हैं तो आप फौरन उसको आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेते हैं। दूसरा है फेमिलियर होना, ये उस वक्त होता है जब आप ब्रांड को काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी उसके साथ एक एसोसिएशन जो है वो बन गई है और उसका लोगो आपके लिए एक फेमिलियर लोगो बन गया है। तीसरा ये है कि ये अपनी जो टारगेट मार्केट है उनको एक शेयर्ड या यूनिफाइड मीनिंग्स दे रहे हो, यानी जो भी ब्रांड लोगों से मतलब समझ आ रहा है वो सबको एक जैसा मतलब ही उसका समझ आना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि ये लोगो ऐसा हो कि जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो मिलें। आपसे मुराद यहाँ पर टारगेट ऑडियंस है। तो अगर ये लोगो जो है इन चार टेस्ट के ऊपर स्कोर अच्छा करते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी, आपको उतनी ही जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग है उसमें कॉस्ट आपकी कम आ जाएगी, लेकिन जितना लो स्कोर होगा उतना आपको ज़्यादा उस पर मनी स्पेंड करना पड़ेगी। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के एक रिसर्च ये बताती है कि जब कस्टमर रिटेल स्टोर के अंदर मौजूद होते हैं तो 69% जो परचेज डिसीजंस हैं वो उस वक्त होते हैं। इसी तरह से एक और स्टडी ये बताती है कि जब आप किसी ब्रांड की तरफ मूव कर रहे हैं और उससे सिर्फ 10 से 15 फुट के फासले पे हैं तो 3 सेकंड के अंदर अंदर आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने उस ब्रांड या प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो पैकेजिंग है वो यूनिक भी होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, ताकि वो जो बायर है उसकी अटेंशन कैप्चर कर सके। फिर इसका एक पर्पज़ ये है कि ये जो प्रोडक्ट होती है इसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करती है, और उसकी जो शिपिंग है उसको मूव करना है, उसको जो हैंडल करना है, यूज़ करना है, ये उसमें भी आसानी पैदा करती है। पैकेजिंग जो है वो फैसिलिटेट करती है कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो स्टोर के अंदर शेल्व्स हैं वहाँ पे प्लेस कर सकें। ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जैसे अद्वियात हैं, ड्रग्स हैं या खाने की चीज़ें हैं, ये उनकी जो टेम्परिंग है उससे भी बचाती है। टेम्परिंग से मुराद ये कि किसी ने कोई चिप्स का पैक खोला, उसमें से कुछ चिप्स खा लिए और उसे दोबारा बंद कर दिया, लेकिन पैकिंग की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये लेबलिंग के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर पैकिंग नहीं होगी तो वो सारी लेबलिंग और इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे प्रिंट होगी। अगर हम पैकेजिंग में न्यू ट्रेंड्स की बात करें तो ये देखा गया कि जो कस्टमर हैं वो फूड आइटम्स में उनका प्राइमरी कंसर्न टेस्ट और फ्रेशनेस होता है, जो कि अच्छी पैकिंग से ही मुमकिन है। इसी तरह से एक जूस बनाने वाली कंपनी थी और वो जो जूस बनाती थी वो 12 की पैकिंग में बनाती थी, और उनकी जो पहली पैकिंग थी वो 3x4 का एक बॉक्स था। अब ये देखा गया कि उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है। रीज़न पता ये चली कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट उससे फील नहीं करते, उसको उठाना, उसको यूज़ करना, उसको स्टोर करना, ये मुश्किल काम था। जब कंपनी ने इसे 3x4 से 2x6 की जो पैकिंग है उसमें कन्वर्ट किया, जो कि एक लॉन्गर और स्लिमर पैकिंग थी, इसको उठाना, इस्तेमाल करना, स्टोर करना ज़्यादा आसान था, तो उनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई। इसी तरह से जो ख़ासतौर पे यंग कस्टमर्स हैं वो आई कैचिंग और स्टाइलिश किस्म की जो पैकिंग है उसे पसंद करते हैं। फिर आ जाती है लेबलिंग, जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही होती है। इसमें से एक तो ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन है, जो कि लेबल से ही हमें पता चलता है। फिर ये बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। मैं कुछ मिसालें आपको बताता हूँ। जैसे मिचल्स जैम है तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स की डिटेल लिखी होगी, और मोर आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा है ये इसके ऊपर मैंशनड होगा, ऑल्पर्स मिल्क की एक्सपायरी डेट क्या है ये उसके ऊपर मैंशनड होगा, ऐसी फाइल कप सिरप जो है वो उसकी डोजेज कितनी देनी है ये उसके ऊपर हमें पता चलेगा, कनोर सूप को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, रेसिपी क्या होगी वो उसके ऊपर लिखा होगा, के एंड एन नगेट्स जो हैं इसकी स्टोरेज कहाँ पर और कैसे करनी है ये इन्फॉर्मेशन भी उसके ऊपर मौजूद होगी। इसी तरह से लेस चिप्स की जो स्टैकिंग है वो कितनी होनी चाहिए ये उस डब्बे के ऊपर मैंशन किया गया होगा।
सिमिलरली ये कस्टमर की इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस का बायस भी बनता है। मिसाल के तौर पे जब किसी ब्रांड के ऊपर लिखा होता है कि न्यू फार्मूला, प्रीमियम या नेचुरल या ख़ास तौर पे हलाल, तो ये ना सिर्फ कस्टमर की जो इंटरेस्ट है वो ग्रैब करता है बल्कि उसमें एक कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है कि मैं एक अच्छी रिलायबल बेहतर प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ। फिर ये कस्टमर की सेगमेंटेशन में भी फैसिलिटेट करती है, जैसे कैन बेबी डायपर्स जो हैं वो 0 से 6 नंबर के साइजेस में अवेलेबल होते हैं, ये मुख्तलिफ जो बेबीज़ की एजेस हैं उसके हिसाब से होता है, तो ये उसके ऊपर मैंशनड होता है। इसी तरह से बाज़ दफ़ा ये एक ही तरह की पैकिंग वाली प्रोडक्ट्स को भी डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे आपने कुछ स्लाइड्स पहले देखा कि नेस्ले मिल्क पैक और नेस्ले जूस दोनों की जो बॉक्स पैकिंग है वो एक तरह की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मिल्क है और कौन सा जूस है, ये उसका लेबल हमें बताएगा। फिर बाज़ दफ़ा ये किसी ब्रांड के साथ जो स्पेशल ऑफर है उसके बारे में भी बताती है, जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट है तो उसके साथ अगर ब्रश फ्री मिल रहा है तो ये उसके डब्बे के ऊपर लेबल की शक्ल में मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेबलिंग के बारे में, पैकिंग के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।